हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर बनाएंगे पजल। ठीक है, पहले से भी आप पजल बनाते आ चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कीजिए कि सबसे पहले इस यहीं पर इस वीडियो के रोक के सबसे पहले आप क्वेश्चन खुद बना लीजिए, या ठीक है या स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए, और लास्ट में जो भी एनालिसिस किया जाएगा उससे आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में है ए बी सी डी और ई पांच व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है, पांच व्यक्ति हम लोग ले लेते हैं इस तरीका से, ए बी सी डी और ई। ठीक है, आगे देखिए, उनमें से एक दंत चिकित्सक हैं, एक प्रोफेसर, एक पत्रकार, एक व्यापारी हैं और एक वकील है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, उनमें से तीन यानी पांच में से तीन ए सी और वकील कॉफ़ी की तुलना में चाय पसंद करते हैं। ठीक है, कौन कौन? ए क्या पसंद करेंगे? चाय। और सी भी क्या पसंद करेंगे? चाय। और बोला है देखिए यहाँ, और वकील कॉफ़ी की तुलना में चाय। तो वकील इसमें कौन है पांचों में, ये हम लोग को पता ही नहीं है। ठीक है, इससे वकील का हम लोग का क्लू नहीं मिला कि कौन है, इसलिए क्वेश्चन के आगे फिर अब चलते हैं। और उनमें से दो बी और पत्रकार चाय की जगह कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी कि बी के बारे में यहाँ बता दिया गया है कि बी चाय की जगह क्या पसंद करता है? कॉफ़ी। तब पांच में से तीन पसंद करते हैं चाय और दो पसंद करते हैं कॉफ़ी, ये आपको क्लियर होगा। अभी दोनों में हम लोग को निकालना है कि कौन चाय पसंद करेंगे, कौन कॉफ़ी पसंद करेंगे, और दो कंडीशन इसमें है, और एक और निकालना होगा, वो चाय कौन पसंद करेंगे और कॉफ़ी कौन पसंद करेंगे। और इसमें एक और ध्यान दीजिएगा, निकालना होगा पत्रकार कौन है और वकील कौन है, दोनों में डी और ए में, ई में, सॉरी ई में। आगे अब देखते हैं, देखिए और यहाँ से देखते हैं तो और व्यापारी डी और ए दोस्त हैं, उनमें से दो चाय की जगह कॉफ़ी पसंद करते हैं, उनमें से दो, तो ए ठीक है और डी क्या है? ए और डी समझना है बारीकी से, दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। और दोनों क्या पसंद करते हैं? उनमें से तीन में से दो, तो एक तो हम लोग के निकल गया है कि क्या, कि चाय पसंद करते हैं, यानी दो जो बच जाएगा से कॉफ़ी पसंद करेगा। इससे साबित हो रहा है कि हम लोग का एक डी जो होगा से क्या पसंद करेगा? कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी पसंद करेगा। जब कॉफ़ी पसंद करेगा तो एक दोस्त और है उनके, क्या तीनों दोस्त में कि एक और कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, तो दो गो कॉफ़ी पसंद करने वाले, एक क्या हो गए? चाय पसंद करने वाले। क्लियर हो रहा होगा यहाँ से। अब देखिए तो ई कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो बी जो कॉफ़ी पसंद करेगा वो क्या होगा? व्यापारी होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या ले सकते हैं हम लोग? व्यापारी। बी क्या हो जाएगा? व्यापारी। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, व्यापारी हो जाएगा। अगला हम लोग आगे अगर हम लोग देखते हैं, फिर आगे थोड़ा सोचिए, हम लोग स्टार्टिंग वाला ए सी और वकील कॉफ़ी की तुलना चाय पसंद करते हैं, तो दो गो तो तीन गो के दोस्त, एक बच जाएगा सो क्या पसंद करेगा? तीन में ही चाय पसंद करेगा। और जो चाय पसंद करेगा वो इसका कौन सा पेशा होगा? वकील का होगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग निकाल लिए वकील। क्लियर हो रहा होगा यहाँ से, आसानी से हम लोग बना लिए। आगे पढ़ते हैं, अब देखिए फिर है आगे अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ देखिए बी और पत्रकार क्या पसंद करते हैं? चाय की जगह कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसमें बताना है तब पत्रकार, तो ई तो कॉफ़ी कॉफ़ी एक व्यापारी भी हो गया, तब डी क्या हो जाएगा? पत्रकार होगा। इस तरह से समझ रहे हैं कि दोनों क्या पसंद करता है? कॉफ़ी, तो पत्रकार होगा। ठीक है, यानी हम लोग के निकल गया तीन। अब लास्ट स्टेटमेंट देखिए, दंत चिकित्सक सी का भाई है। ठीक है, यानी दंत चिकित्सक सी का क्या है? भाई है। तो दंत चिकित्सक कौन हो जाएगा जो बचा से? ए। ठीक है, तो दंत चिकित्सक कौन हो गया? ए। ठीक है, इस तरह से दंत चिकित्सक ए हो जाएगा। अब जो बच जाएगा सो क्या होगा? सी। तो बचा क्या इसमें? तो प्रोफेसर। तो सी क्या होगा? प्रोफेसर। इस तरह से लिख सकते हैं प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर सी हो जाएगा हम लोग का प्रोफेसर। इस तरह से जो भी डाटा था हम लोग के पूरा डाटा ले लिए।
ठीक है। अब इस तरह से हम लोग कहाँ पे आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए, कौन से पे सी और उनके भाई द्वारा पसंद किया जाता है, सी और उनके भाई द्वारा। तो सी तो भाई इसका कौन है, ए होगा, ठीक है। ये दोनों में क्या का रिलेशन है, दोनों में भाई का, ठीक है, भाई। तो सी और ए तो दोनों क्या पसंद करते हैं, चाय, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, दोनों को कॉफ़ी पसंद है, चाय और कॉफ़ी नहीं होगा, कॉफ़ी और चाय नहीं है, दोनों को क्या पसंद होगा, दोनों को चाय। ए और सी दोनों के क्या पसंद है, चाय। इस तरह से हम लोग आते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन क्रमशः दंत चिकित्सक, व्यापारी और प्रोफेसर है। तो देखिए, दंत चिकित्सक ए है, प्रोफेसर व्यापारी बी है, प्रोफेसर सी है, यानी ए बी सी, ए बी सी। ऑप्शन नंबर हम लोग के आंसर क्या होगा, ए। समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर पर। वकील के अलावे किन किन को चाय पसंद है, वकील के अलावे। तो वकील के अगर छोड़ देते हैं तो चाय किसको, ए और सी को पसंद है, लेकिन ए सी नहीं दिया। दंत चिकित्सक और किसको पसंद है, प्रोफेसर को पसंद है, ठीक है। पत्रकार और प्रोफेसर है, व्यापारी और पत्रकार है, दंत चिकित्सक और प्रोफेसर है। इस तरह से आंसर हम लोग के क्या हो जाएगा, सी। इस तरीका से हम लोग बारीकी से इस क्वेश्चन को बना लिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, उससे उसके बाद क्या बनाना है, डाटा बना लेना है, और बाकी जो भी होगा आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर फिर कुछ हम लोग नया सीखेंगे।